वेलकम टू माय चैनल राधे बुटीक। मैं हूँ मीनू वर्मा। वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। यदि आपको सिलाई से रिलेटिव कोई भी वीडियो की जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट भी कीजिए। और मैं आज आपको बताऊँगी कि जो कमीज होता है उसके साइड के जो चाक होते हैं वो जल्दी से फट जाते हैं। जैसे कि ये कमीज है, मैंने ये तैयार कर लिया है अभी सारा। ये यहाँ पर तो इसकी रफ सिलाई है, यहाँ पे तिरपाई होगी, लेकिन यहाँ से कई बार क्या होता है कि सूट के यहाँ से काज ये फट जाता है, फिर बाद में यहाँ पे सिलाई रहती नहीं है और ये बार बार फटता रहता है और कमीज सारा ख़राब हो जाता है। इसको लॉक करने का तरीका मैं आपको बताऊँगी, जो बिल्कुल आसान भी है और ये तरीका आपको पसंद भी आएगा और इसका काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। इसमें आपको करना क्या है, जैसे सूट के साथ का कपड़ा ले लीजिए, बस 1 इंच इतना कपड़ा ले लीजिए ये लेके। अब इस पे इस तरह से इसकी सिलाई कर दीजिए। ये मैंने इस तरह से इस पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब इसको डबल कर लिया है, इस तरह से काट दीजिए। ये अभी काफ़ी बड़ा है तो इसको थोड़ा सा भी और काट लीजिए बस। फिर हमें करना क्या है, इस कमीज को इस तरह से यहाँ से इस तरह से करके इसको इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर दीजिए और यहाँ पे रख के और सिलाई करनी है अभी हमें यहाँ पे। और इसको सामने से भी इस तरह से, नीचे से इसको भी इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। ये देखो मैंने यहाँ से इसको फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसकी सिलाई कर दूँगी धीरे धीरे पक्की। यहाँ से इसकी सिलाई हो गई। अब ये कमीज इस तरह से यहाँ से इसका चौक है जो लॉक हो गया है, ये देखिए ऊपर से, ये देखिए मैंने इसका चौक है जो लॉक कर दिया है। अब इस तरह से ये चौक लॉक हो गया है, अब ये फटेगा नहीं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।